Hello friends, I am Akanksha Mathur. Welcome to my channel Maths with Akanksha Mathur. आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर टू होल नंबर्स पढ़ेंगे. सबसे पहले होल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे. अभी तक हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से, टू, थ्री, फोर, अब आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है होल नंबर. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ज़ीरो से. ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, इन्फिनिट तक. ठीक है, होल नंबर को सबसे अच्छा याद करने का जो तरीका है कि होल, होल मीन्स दिस वन. इट्स लुक लाइक ज़ीरो. तो होल नंबर स्टार्ट विद द ज़ीरो. नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वन से. और होल नंबर ज़ीरो से. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. मतलब सभी नेचुरल नंबर वन नंबर से स्टार्ट होता है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, वो सभी क्या होते हैं? होल नंबर्स भी होते हैं. और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ज़ीरो से. नेक्स्ट थिंग इज स्मॉलेस्ट होल नंबर. स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? ज़ीरो. और यही आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो वो होता है वन. ग्रेटेस्ट होल नंबर, देखिए इसके बारे में तो नहीं पता. नहीं कैसे पता? क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइन. वो काउंटिंग कहाँ तक जाती है इसको नहीं पता. नॉट डिफाइन, या फिर इसका अनदर वर्ड है जो इन्फिनिटी. नेक्स्ट, प्रीडिसर सक्सेसर. प्रीडिसर और सक्सेसर क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सक्सेसर. सक्सेस का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, मतलब कुछ भी पॉजिटिव होना, आगे बढ़ना. ठीक है, तो सक्सेसर क्या होता है? जो भी कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए थ्री नंबर दिया है, तो थ्री का सक्सेसर. सक्सेसर मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना. यानी थ्री का नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? थ्री प्लस वन, फोर. तो जब सक्सेसर फोर है तो प्रीडिसर क्या होता है? पीछे. थ्री से पहले क्या होगा? प्रीडिसर. यानी थ्री माइनस वन इक्वल टू टू. सक्सेसर मीन्स आगे बढ़ना, तो प्लस वन. प्रीडिसर माइनस वन. आप इन दोनों में से बस एक वर्ड याद रखिए, सक्सेसर. इसका मतलब क्या हुआ? आगे बढ़ना, यानी प्लस वन. तो डेफिनेटली ये इसका उल्टा हो गया, प्रेडिसर माइनस वन. तो प्रेडिसर और सक्सेसर. नेक्स्ट थिंग है नंबर लाइन. होल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं? ये मैंने एक लाइन बनाई हुई है, आपके स्केल में भी होती है. ये लाइन बनाई हुई है ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. ये नंबर लाइंस पे शो हो रहे हैं नंबर्स इक्वल डिस्टेंस पे. अब आप इसमें एक चीज़ देखिएगा कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो किस साइड है? लेफ्ट साइड. और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कब है? राइट साइड. यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर कहाँ जा रहे हैं? राइट साइड में. देखिए ज़ीरो के बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन. ये नंबर लाइन शो करती है. अगर मैं आपसे पूछूं 20 और 24 में से कौन सा लेफ्ट साइड में आएगा, तो डेफिनेटली जो छोटा होगा वो कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में. अभी देखिए मैं आपसे पूछ रही हूँ 2 और 5 में से लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, तो डेफिनेटली 2 स्मॉलेस्ट नंबर है इन एज कंपेयर टू 5. तो 2 कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा.
लेफ्ट साइड में, मीन्स जीरो से जब भी बात होती है तो राइट साइड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इनकी द प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, सभी नंबर्स की प्रॉपर्टीज में तीन चार चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस करने पे, देखिए इनमें चार कंडीशंस होती हैं, चार ऑपरेशंस होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। ये सभी प्रॉपर्टीज के जितने भी पार्ट्स हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, इन सब में ये फॉलो अप होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव में दूसरे फॉलो होते हैं। देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी प्लस करने पर उसकी वैल्यू क्या है। जैसे 1 + 2, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो क्या नंबर आया, 3। इट इज ऑल्सो अ होल नंबर। सपोज कीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, 10 भी एक होल नंबर है, 20 भी होल नंबर है। 10 + 20 जब हम करते हैं तो क्या आंसर आया, 30। तो 30 इज ऑल्सो अ होल नंबर। तो यानी क्या बोला उन्होंने, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन ऑपरेशन है ना। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। हमने किया 1 - 2, वैल्यू कितनी आई, -1। एक और 2 - 1 = 1। पहले आप ये देखिए, 2 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है। जब 2 - 1 मैंने किया तो वैल्यू कितनी आई, 1। इट इज ऑल्सो होल नंबर। तो सब्ट्रैक्शन में, इस चीज में, ये वाली कंडीशंस में, सेकंड वाली कंडीशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन अगर इसी की फर्स्ट टर्म देख ली जाए, 1 - 2 = -1 हो गया, -1 होल नंबर नहीं होता, -1 होल नंबर नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या आता है, मे और मे नॉट। एडिशन में तो आंसर क्या आया, यस इट फॉलोज। और सब्ट्रैक्शन में क्या आया, इस कंडीशन में तो आया यस और इसमें नो, यानी आंसर क्या हो गया, मे और मे नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट ऑपरेशन मल्टीप्लाई, 1 - 2 = 2। आप देखिए, 1 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, जब दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2। तो इट इज ऑल्सो अ होल नंबर, यानी मल्टीप्लाई क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो अप करता है। इसका क्या होगा आंसर, यस इट फॉलोज। नेक्स्ट इज डिवाइड। 10 / 2 जब हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आई, 10/2 = 5। 10 भी हमारा होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितनी आई हमारी, 5। यानी इसके आंसर में तो क्या आएगा, यस ये भी होल नंबर है। नेक्स्ट 2 / 10 कर दिए, सॉरी 2 / 0 किया, यानी 2/0। जब 2/0 हमने किया तो उससे क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी नंबर के अगर नीचे 0 आ जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड मतलब उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, तो वो तो हो गया आंसर नो। तो इसका आंसर क्या हो गया, मे और मे नॉट, मीन्स डिवाइड में कभी ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो भी कर सकता है और कभी नहीं भी कर सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी अपने प्लेस चेंज करना, आगे से पीछे, मूव। इसका जो वर्ड है वो आप ध्यान रखिए, कम्यूटेटिव, मूव। एडिशन ऑपरेशन में देखते हैं हम, 2 + 3, इसकी वैल्यू कितनी हुई, 5। 3, अब मैंने क्या किया, इनकी वैल्यू आगे और पीछे कर दी, जो सेकंड नंबर पे था उसको फर्स्ट नंबर पे कर दिया। 3 + 2 वैल्यू कितनी आई, 5। दोनों ही वैल्यू को अगर प्लस करते हैं तो 5 आ रही है,
इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू चेंज नहीं होती, आंसर चेंज नहीं होता। तो एडिशन ऑपरेशन फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इट इज यस। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, 2 - 3 = 3 - 2। जब 2 - 3 हम करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -1। और जब आप 3 - 2 करते हो तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 3 × 2, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। प्लेस चेंज करिए आगे पीछे, लेकिन आंसर दोनों का क्या आ रहा है, 6। यानी ये जो प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, वो फॉलो अप करता है किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट इज डिवाइड, 2 / 3 and 3 / 2। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 2 / 3 = 3/2। आप देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं, तो इट इज नॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 नंबर होते हैं, ये दिया है 2, 3, 4, 2, 3, 4। जब हम इनके ब्रैकेट को एक्सचेंज करते हैं, इनके ब्रैकेट के, देखो पहले वाले में मैंने 2 को छोड़ा हुआ है, 3 और +4 इसमें ब्रैकेट लगाया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 2, 3 पे ब्रैकेट लगाया और +4 को अकेला छोड़ दिया। तो जब हम इस तरह के पोजीशंस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो प्लस में हम देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता। 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 7, और इधर 2 + 3 = 5। जब दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, दोनों का आंसर 9, इधर भी 9। इट मीन्स एडिशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन 2 - 3 - 4 ब्रैकेट में है = 2 - 3 - 4। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे दोनों तरफ के, 2 - 3 - 4 कितना हो गया, -1, और 2 - 3 - 1। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 1 की 3 और 1 की -3। इट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव, 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, 3 × 4 ये हमने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप, 3 × 4 = 12, 2 × 3 = 6। इनको सॉल्व किया आंसर कितना आया, इधर भी 24 और इधर भी 24, यानी ये फॉलो करता है। नेक्स्ट डिविजन, डिवाइड, 2 / 3 / 4 = 2 / 3 / 4। इसको हमने जब सॉल्व किया तो देखिए 3 / 4 को 3/4 लिख सकते हैं। जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू क्या आई, 8/3 और 1/6। इसका मतलब डिवाइड एसोसिएटिव को फॉलो अप नहीं करता। अब नेक्स्ट आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो चीज़ें होती हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये देखिए a × b + c ब्रैकेट में = a × b + a × c, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ओवर बीच में कौन सा साइन है, एडिशन का। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 × 3 + 4, 2 × 3 + 2 × 4। इसको जब हमने सॉल्व किया, 2 × 7 = 6 + 8, वैल्यू कितनी आई, 14। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन
फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। इसमें हमने वैल्यू रखी 2, 3, 4, ए बी सी की जगह रखी है। 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ हमने सॉल्व किया इसको। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 और 6 माइनस 8 माइनस 2, दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रही है। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ आती है, प्रॉपर्टीज नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर में कोई हमने कुछ भी एक ऐसा नंबर बताइए जो ऐड करने के बाद वही नंबर आए। जैसे देखिए एक्स प्लस ज़ीरो इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह हम कोई भी नंबर रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 11 कुछ भी, प्लस ज़ीरो। उसमें हम जब ज़ीरो ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, वही नंबर आता है। तो इस ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी जिसके रखने से हमें वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एडिटिव मीन्स ऐड, प्लस करने पे। आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी कौन सी हो गई, ज़ीरो। देखिए 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या वैल्यू आई, 1। मैं 10 भी रख देती तब भी क्या वैल्यू आती, 10। अब इसी में एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए एडिशन में एक नंबर ऐसा जिसको प्लस करने पर कोई भी वैल्यू फर्क नहीं पड़ती, वो नहीं होता। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आप खुद सोचिए कौन सा नंबर हो सकता है। अगर आप कहते हैं ज़ीरो, तो कोई भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई ज़ीरो करते हैं तो आंसर क्या वैल्यू आती है, ज़ीरो आती है। तो वो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं हो सकता। कौन सा हुआ, एक्स मल्टीप्लाई 1, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, वही नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी हो गई, 1, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारी कौन सी थी, 0। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2, यहाँ 20 होता, 200 होता, 2 लाख होता, 2 करोड़ होता, कुछ भी होता, अगर उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं हम तो वैल्यू तो वही नंबर आनी है। थैंक यू। वी कैन मैक मैथ्स इजीली।